चाणक्य नीति, जीवन में समस्याएं आने पर क्या करें। चाणक्य द्वारा बताई गई एक नैतिक कहानी। एक बार घने जंगल में एक गर्भवती हिरन चल रही थी, तभी उसे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। वो दर्द से कराहने लगी तो वो अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। आह आह माँ, मैं दर्द सह नहीं कर सकती, दर्द तो तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ कहीं बैठकर आराम करना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसे पास ही में एक घास का घना मैदान और नदी दिखाई दी। तो हिरन ने सोचा, जब बच्चा मेरे पेट से निकलेगा तो वो घास पर गिरेगा और उसे कहीं चोट भी नहीं लगेगी, पर अब तो उसका दर्द और बढ़ गया। ओए माँ, दर्द तो और बढ़ गया है, अब मेरे बस में नहीं है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मेरा तो कोई दोस्त मदद करने के लिए आसपास भी नहीं है, मैं क्या करूं? वो दर्द से कराहते हुए जा ही रही थी, इसी बीच जंगल में घने बादलों का जोर से गरजना और बिजली का चमकना शुरू हो गया। हिरण काफी घबराई हुई थी, दर्द के मारे धीरे धीरे वह आगे बढ़ रही थी, पर तभी अचानक जोरदार आंधी आई और जोर से बिजली का धमाका हुआ और तभी बिजली के कारण घास में आग लग गई। उधर घास में आग लगी रही थी कि एक शेर हिरन की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आज तो अच्छा खाना मिलेगा, जल्दी से इस हिरन को पकड़ लेता हूँ, नहीं तो ये भाग जाएगा। इधर शेर हिरन की तरफ नजर लगा के बैठा था कि एक शिकारी भी हिरन की तरफ आ गया और शिकारी अपने तीर से हिरन की तरफ निशाना लगाने लगा। हे भगवान, एक तो ये इतना दर्द हो रहा है, दाएं पर ये भूखा शेर खड़ा है और बाएं पर ये शिकारी खड़ा है, आगे ये आग लगी हुई है और पीछे ये तेज बहने वाली नदी। उस हिरन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हे भगवान, अब वो हिरन को क्या करना पड़ेगा, क्या होने वाला है? वो हिरन बच्चे को जन्म देगी या नहीं? वो बच्चा बच पाएगा या नहीं? लेकिन हिरन ने परवाह नहीं की। वो हिरन ने अपनी जान गंवाने के बारे में भी नहीं सोचा था, सिर्फ बच्चे को बचाने के लिए ही हिरन अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था। तो परिणाम इस प्रकार थे कि अचानक बारिश के साथ एक आंधी आई, शिकारी की आंखें बिजली की रोशनी में खराब हो गईं और वो जोर से चिल्लाया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, और तभी उसने बाण निकाला जो कि शेर को जाके लग गया और तभी शेर मर गया। और तेज बारिश के कारण जंगल में लगी आग भी बुझ गई और उसी समय हिरण ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया जो कि पूरी तरह से स्वस्थ था। तो देखा ना बच्चों, अगर हिरण केवल बचने की ही कोशिश करता और बच्चे के बारे में नहीं सोचता तो हो सकता है वह शिकारी का शिकार हो जाता, या फिर शेर उसे खा जाता, या वो आग में जल भी सकता था और नदी में बह भी सकता था, पर उसके धैर्य ने ही उसकी जान बचाई। तो सोचो, हमारे जीवन में भी जब समस्याएं हर तरफ से आ जाएं, तो हमें पूरी धैर्यता के साथ अपने परेशानियों से ध्यान हटाकर उनके समाधान पर ध्यान लगाना चाहिए और केवल भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें उन सारी परेशानियों का हल ढूंढकर दे ही देते हैं जो हम नहीं सुलझा पाते। इसी तरह चाणक्य ने अपने तक्षशिला विद्यालय में विद्यार्थियों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं। शैतानी भालू। एक गांव में प्रशांत नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। गांव में जिस किसी को भी छोटी मोटी परेशानी होती थी, वह प्रशांत के पास आकर उसे बता देता था। वह उन्हें बहुत आसानी से एक तेज उपाय बता देता था। इस तरह प्रशांत चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। उस गांव के बगल में एक और गांव में देर रात होते ही एक भूत भालू आकर हमला करता था, बड़े घरों को तोड़कर गिरा देता था, पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर फेंक देता था, मुर्गियों और बकरियों जैसी चीजों को निगल लेता था। उसकी हरकतों के डर से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। सभी ग्रामीणों ने हथेली में जान रखकर डरते हुए रात गुजारी। उनमें से कुछ गांव छोड़कर भाग गए।
एक दिन गांव का जमींदार प्रशांत को ढूंढते हुए आया। भूत भालू के हरकतों के बारे में सब कुछ समझाया। बेटे, आपकी बुद्धि के बारे में सब सुना है हमने। आपको हमारे गांव को किसी भी तरह से उस भूत भालू से बचाना होगा, नहीं तो ये गांव पूरा शमशान बन जाएगा। कहते हुए उसे मिन्नत देखी। आप जो कह रहे हैं उसे सुनकर अजीब लग रहा है, चलो देखते हैं। रात को जैसे जमींदार ने उसे बताया वैसे ही गांव में घुसा और सब कुछ तितर बितर करते हुए भूत भालू को देखा। सच में एक भूत भालू है, ये तो बहुत बड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? उसने सोचा। घर पहुंचने पर उसने पूरी रात सोचा। अगली सुबह प्रशांत फिर से पूरे शहर की जांच करने के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव के बाहरी इलाके में आया तो भूत भालू वहां आ धमका। मैं बहुत बुरा हूँ, पहले शहर को छोड़ दो अन्यथा तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे। उसने धमकी दी। तुम असल में भूत हो ही नहीं, मैं क्यों डरूं भला, सब कुछ ड्रामा है, उसने साहस पूर्वक कहा। मैं भूत हूँ, भालू ने गुस्से में कहा। ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है क्योंकि मैं इतने दूर पैदल चलकर आया हूँ। वहाँ दिख रहे कुएं के पास पानी निकालने के लिए बाल्टी नहीं है। अगर आप भूत हैं तो उस कुएं में जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, मैं अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से लौट जाऊंगा। उसे विश्वास दिलाने के लिए भालू तुरंत कुएं के पास चला गया और कूद गया। उसने तेजी से जाकर उस कुएं पर ढक्कन लगा दिया और एक बड़ा सा शिला खंड उसके ऊपर रख दिया। इससे वह बाहर नहीं आ सका और चिल्लाते हुए कुएं के अंदर फंस गया। तभी से भूत भालू की पीड़ा से मुक्त होकर सभी ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रशांत की बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हुए जमींदार ने भी उसे अनेक उपहार दिए। हाय, I'm भालू। आप सब सुबह उठकर ब्रश करते ही पीते हैं दूध, पर मैं सबसे अलग हूँ और पीता हूँ बादाम दूध। मैं इस पी भालू को पसंद करता हूँ। आप सबके लिए मैं गाना गाऊंगा। मेरा गाना पसंद आने पर लाइक करो और आपके सुंदर कमेंट्स को पोस्ट करो। देखा आपने कितने अच्छे कमेंट आए हैं। हमारे कंपनी में काम करो, नहीं हमारे कंपनी में काम करो कहते हुए बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों से ऑफर के बड़े बड़े लेटर भेज रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स है भैया। जब भी तुमने फेस किया है फेस पर लात मार दिया है ना। अब मुझे क्या बताना है, लगता है मेरे बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। तो जॉब निल, पर्सनल लवर निल, ऐसे वक्त में हमें बचने वाला एक बकरा मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मामा, मेरा बाइक रिपेयर में है, जल्दी से तुम अपना बाइक एक बार दे दो ना। बाइक ही तो है, ले लो। हे दोस्त, मांगने की जरूरत नहीं, छीन लेना चाहिए। हाँ? वैसे कहाँ जाना है ये तो बताया नहीं। बस स्टॉप के पास लवर वेटिंग मामा, अभी अभी बस से उतरी है। क्या, लवर के पास ऐसे गाड़ी लेकर जाओगे? क्यों, क्या हुआ मामा? तुम देखो तो बहुत सुंदर से तैयार हुए हो, पर गाड़ी को देखो, धूल में सना हुआ है। हा? ये गाड़ी लेकर जाओगे तो तुम्हारे लवर क्या समझेंगे भाई? मतलब क्या समझेगी? यही कि तुम्हें अपने ऊपर जो श्रद्धा है वो गाड़ी पर नहीं है। एक मिनट, गाड़ी धोकर देता हूँ। अरे मामा, टाइम नहीं है, मैं धोकर दे दूंगा, रुको। कौन सा नंबर है? अरे तुम अपने गाड़ी को तो फोम से धोते हो, मेरे गाड़ी को कम से कम शैम्पू भी नहीं करोगे? हाँ, ऐसे ही हो और ऊपर से दोस्त कहते हो। क्या सत्ती पांडू, तुम्हारा लवर हिंदी सिनेमा की हीरोइन लगती है क्या? मैंने भी कहा देखा, फेसबुक लवर,
जब तक मिलेंगे नहीं तब तक एक दूसरे को नहीं देखने का फैसला किया था मैंने। अरे तो प्रेम पत्र सिनेमा है, एक दूसरे को देखे बिना बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं निकलूंगा। अरे रे कहना भूल गया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं है? तुम क्या तकलीफ उठाओगे, मैं जाकर पेट्रोल भरवाऊंगा। मामा भाई चला जाऊंगा। अरे मामा लिए जाते ही मेरा लवर ने कॉल किया है कि वो सिटी में आई है। मेरी लवर आ गई, देर मत करो और अपनी लवर के पास जाओ। ये बड़े लोग हैं ना, वे हमारे प्यार को समझते नहीं हैं। ऊपर से हमें अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या हुआ, तुम्हारा लवर कहाँ है? वो वहाँ नहीं है मामा, वहाँ वेट करके चले गए लगता है। क्यों ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे लवर को मैंने मार दिया? एक बार अपने लवर को फोन करो। The subscriber is currently switched off. गुस्से से फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है मामा। अरे सत्ती पंडू दो सीख दूंगा, सुनो। हाँ बोलो मामा। पहला, हमें किसी को देखे बगैर लव नहीं करना चाहिए। ऐसे अच्छा है मामा। लव में दूसरे का हेल्प कभी नहीं लेना चाहिए। ये अच्छा है मामा। मेरी गर्लफ्रेंड आई है ना, कोई रकम है तो दे जाओ। मास्टर जी क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा है क्या, अंडे पर से पंख हटा रहा हूँ। पंख कहाँ है? जब हाथ में अंडा नहीं है तो पंख कहाँ से आएंगे भाई। आप हताशा की स्थिति में लग रहे हैं, शायद आपका दिमाग खराब हो गया है। जरा बताएंगे क्या हुआ? यदि आप इस निराशा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसे मेरे परिचय से लेकर देखना होगा। अरे मेरा नाम सुनील है, उपनाम दोरा बाबू। उम्र आपको पूछना नहीं चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, बस एवरेज। अब मुझे सिर्फ एक ही समस्या है, शादी। गांव में अभी बूढ़े लोग पूछते रहते हैं, अरे दोरा बाबू उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, अब कब तुम शादी करोगे? शहर के दोस्त हंसते हैं कि अभी क्या शादी करोगे। अच्छा दरअसल अभी मैं अगर सोशल मीडिया पर शादी कर लूं और ये कहकर मैं वोट कर लूं तो 150% उत्तरदाताओं ने उत्सुकता से जवाब दिया कि उन्हें शादी कर दीजिए। हाँ, सो फनी यार। ये देखने के लिए कि मेरे नसीब में कौन है, मैं ब्रह्मानंदम पंतुलु को कोई रिश्ता है तो देखने के लिए कहा था। उसे फोन करना पड़ेगा। अरे ये क्या, मैंने सोचा कि आप ऑडियो कॉलिंग में आएंगे लेकिन आप तो एक ही बार में वीडियो कॉलिंग में आ गए। दोनों ही मुफ्त है। पहले बात क्या है ये बताओ। मेरी मैच फिक्सिंग का हाथ तक आया भैया। आपका फैसला कल बताया आपने, देखना होगा। वैसे भी लड़की मिलना इतना आसान नहीं है, और ऊपर से सात पीढ़ी उस तरफ सात पीढ़ी इस तरफ देखना पड़ेगा। अगर मैं सात पीढ़ी उस तरफ और सात पीढ़ी इस तरफ देखने लगूंगा तो मैं 70 साल का हो जाऊंगा। इस पीढ़ी की लड़की को देख लीजिए, बहुत है। मतलब न्यूनतम लड़की, अपने नामों को स्पष्ट रूप से बताए। अच्छा तो सिंगल डिमांड, ज्यादा दहेज। यू मीन बिग डाउरी, कितनी उम्मीद कर रहे हो? 9 या 10 लाख। हाँ, करोड़। हाँ? क्रोर्स। अयो अयो, क्या आप केयर ऑफ प्लेटफॉर्म हो और आप चाहते हैं कि एक लड़की जिसके पास खुद का फार्म हाउस हो? नसीब में लिखा होगा तो जरूर होगा। हाँ? दहेज ज्यादा लेंगे तो मुश्किलें भी ज्यादा लिखे हुए होंगे बेटे। अगर पैसा दिया तो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इतने करोड़ों के लिए इनकम टैक्स की समस्या होगी। नकदी के रूप में नहीं चाहिए, खेत जमीन देने के लिए कहिए। वो कहीं ऋतु बंधु या भरोसा,
कुछ तो है, उसमें भी पैसा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा अच्छा जी, आप कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे जहाँ से पैसा आए? अगर पैसे वाली लड़की हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो वो जो कुछ भी कहती है वो मुस्कान के साथ कर सकता हूँ। तो यही फाइनल है? अरे पक्का। सपना नाम की लड़की, ये लड़की भी मैच फिक्सिंग करने की जल्दी कर रही है, पता करके ही बताऊंगा। अम्मा बोलो। मेरे पास इतने पैसे हैं, अब तक मुझे दूल्हा नहीं मिला। अपनी हैसियत के हिसाब से सामने वाले भी इतना अमीर होना चाहिए ना? मैंने जो कहा शायद आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा। हमें अब पैसे वाली लड़के की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बात हमेशा सुने। मुझे डाउरी चाहिए और लाइफ में सुंदर लड़की भी, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा मजेदार होगा। वही तो, आप उड़ने के लिए कहो तो उड़ने वाले, आप कूदने को कहो तो कूदने वाले लड़के को भी देखकर आ रहा हूँ मैं। क्या मेरे लिए अच्छे से खाना पकाएगा? वो कपड़े भी अच्छी तरह धोता है और वो इस्त्री भी करके देगा। बिल्कुल, मुझे ऐसे ही कोई चाहिए। तो फिर लॉक कर दूं? तुरंत लॉक कर दो। दोरा बाबू, क्या तुम मेरे लिए अच्छी कोल्ड कॉफी ला सकते हो? ये क्या है, कोल्ड कॉफी? मैं इसे पीऊंगी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे जुकाम हो जाएगी। क्या तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती? नहीं आती। नहीं आती? वो ब्रह्मानंद पंतलू तो कहते हैं कि तुम्हें सब आता है, तभी तो मैंने तुम्हें इतने पैसों से खरीदा। मैं इसे यूट्यूब पर देखकर तुरंत सीखूंगा। दोरा बाबू, तुम यूट्यूब देखकर कब खाना बनाना सीखोगे और कब मैं बैठकर खा पाऊंगी? नहीं चलेगा, तलाक ले लेंगे। अब मुझे नहीं रहना। अंडे पर पंख झुंझलाहट पर खींच रहे हो क्योंकि पत्नी तलाक दे दी। तलाक हो जाता तो अच्छा होता, मुझे खुशी होती। क्या आपके हताशी का कोई कारण है क्या? आप जरा खुल के बताइए हमें। अरे अच्छा गंजा, एक बार में ही सब कह दूंगा तो अंडे पर पंख नहीं बचेंगे। देखो